पहले चरण के मतदान के बाद आरजेडी ने क्लीन स्वीप का किया दावा। तेजस्वी ने ट्वीट कर बिहार की जनता को कहा धन्यवाद। पटना में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया रोड शो, जनता से मांगे 3 साल, कहा पटना को बनाएंगे नंबर 1 राजधानी। अभाव और डर में नहीं चाहता हूं कि कोई जीए, पटना को दुनिया का खूबसूरत राजधानी बनाना चाहता हूं। पटना 12 बजे खुले, हर परिवार अपने लाइफ को स्पेंड करे। आज जो गरीबों के जेब में 100 रुपया नहीं है वो लाइफ चेंज। भागलपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पहले चरण का मतदान, लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया अपने मत का इस्तेमाल। भागलपुर के इंदिरा आईवीएफ ट्यूब बेबी सेंटर में हो रही कालाबाजारी, प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर डॉक्टर्स और संस्था को हो रही करोड़ों की अवैध कमाई। सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर, बता दें पीएम मोदी 3 नवम्बर को पहुंचेंगे सहरसा के पटेल मैदान, जहां पीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। जमुई जिले के झाझर रेलवे हॉस्पिटल में कोविड-19 को लेकर लगा कोरोना जांच शिविर, जहां रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों को जांच के लिए किया गया प्रेरित। अभी तो 40 के आसपास हैं, हो चुके हैं, लेट में थोड़ा शुरू हुआ है 12 बजे के आसपास, और ये रेलवे के द्वारा ही है, लेकिन इसमें बिहार सरकार के हॉस्पिटल का भी सहयोग है। रेलवे झाझा में रेलवे मतलब सभी विभागों के लिए था क्या था? हाँ, रेलवे के सभी विभागों, सभी कर्मचारियों और उनके परिवार जनों के लिए, सबके लिए। झाझा में पहले चरण के मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, मतदान स्थल पर खुले में बिखरे दिखे दस्ताने, खुले स्थान पर दस्ताने फेंके जाने से लोगों को सताया कोरोना का डर।